हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। आज का सेकंड वीडियो हो गई, स्टॉक का नाम है जयश्री टी एन इंडस्ट्रीज एज यू कैन सी। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज़ जिसके ऊपर मैं आपको तुरंत ले जाना चाहूँगा, जो कि बुक वैल्यू। सी द बुक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, उसके पास ही चल रहा है अभी करंट प्राइस। ऑल राइट, आरओसी आरओई नेगेटिव है, बट एस यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव है स्टॉक के लिए। फिलहाल नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 3.11% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। और यहाँ पे अर्निंग्स जो है वो अदर इनकम को भी कैप्चर करते हैं अराउंड 74.5 CR के। यहाँ पे ये उसके नीचे कंपनीज हैं जिसमें से बहुत सारे नाम हम लोग जानते हैं। एज वी गो टू द सेल्स फिगर, सेल्स फिगर रिमेनिंग फ्लैट करंट टाइम। लास्ट टाइम से मार्च 2023 से 2024 के बीच में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला था यहाँ पे, जो कि अगर हम इसके सेल्स की बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था बिटवीन मार्च 23 एंड मार्च 24। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट यू कैन सी इज नेगेटिव इन करंट टाइम। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी सितंबर 2023 के क्वार्टर में, कुछ अच्छा ही रहा होगा तभी बढ़ाई है। ओके, एफ आई आई के पास 4.89%, डी आई आई के पास 0.73%, पब्लिक के पास 43.7% शेयर्स हैं और टोटल शेयर होल्डर्स यहाँ पे 22,178। अनाउंसमेंट्स का डेटा और एनुअल रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट सब यहाँ पे नीचे दी हुई हैं। अब मैं आपको सीधे भी लेके चलता हूँ यहाँ पे चार्ट पे कि चार्ट पे क्या बन रहा है, क्योंकि चार्ट पे बहुत ही ज़ोरदार चीज़ बनी हुई है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, एज यू कैन सी, शोल्डर हेड शोल्डर। ओके, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट के लिए तैयारी कर रहा है, मशक्कत कर रहा है यहाँ पे स्टॉक। ओके, मेहनत कर रहा है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जो कि मैं सपोर्ट के लेवल्स मार्क करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मार्क करता हूँ विद दी डार्क येलो लाइन। एज यू कैन सी, पूरी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लेवल्स है जो भी अभी भी स्टॉक ने भी टेस्ट नहीं किए, जो कि इसको आने वाले समय में टेस्ट करना चाहिए टू फॉर्म अ बेटर फ्लाइट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। पहला लेवल मैं बता देता हूँ 50.80। अगर स्टॉक 136 के लेवल से गिर के किसी भी तरीके से, या स्प्लिट भी हो जो भी हो, किसी भी तरीके से अगर 50.80 के लेवल पे आते हुए दिखता है तो फिर यहाँ पे बहुत अच्छा एक एक्युमुलेशन का जोन मिलेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप या फिर एक डबल टॉप का रिजेक्शन लेकर के 143.25 के लेवल से रिजेक्शन लेकर के नीचे भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते। तो 50.80 का लेवल जो है यहाँ पे एक देखने वाला बन जाता है, एक्युमुलेशन के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। उसके अलावा और लेवल्स की बात करते हैं जिसकी इसने स्टॉक ने रिस्पेक्ट की और ऊपर गया। ओके, द फर्स्ट लेवल 71.40 को देखें तो 71.40 को भी यहाँ पे इसने रिटेस्ट नहीं किया, ओपीएस भी नहीं बनाया अभी तक, रिजेक्शन ही लिया। तो पहला लेवल बन जाता है 71.40 का लेवल, जहाँ से ये रिबाउंड कर सकता है। दूसरा 50.8, इन दोनों के बीच के लेवल जो बनेगा वो मालिक अच्छा एक्युमुलेशन के जोन के तरीके से काम करेगा। इसके बाद 78.50 पर बहुत अच्छा सा पुल बैक लेकर के इसने रिवर्सल लिया, इट वर्क एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लेवल। ओके, इसके बाद के लेवल्स के बीच में से कंसोलिडेट करके एक अच्छा सा टेक्निकल पैटर्न बनाना चाहिए, जिसके बाद हमें ऊपर को मूवमेंट मिल सकता है। तो वो लेवल्स होंगे हमारे 121.35 का लेवल और 143.25 का लेवल। एज यू कैन सी, फिलहाल के लिए स्टॉक 136.67 पर ट्रेड कर रहा है एज ऑफ द क्लोजिंग। ओके, और यहाँ पे आप इन्हीं दोनों लेवल्स को हम देखेंगे, 143.25 और 121.35, इन्हीं के बीच में एक्युमुलेशन करेंगे। एक अच्छा सा प्राइजेशन अगर मिलता है तो हमें बहुत अच्छा सा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इन द कमिंग डेज। ओके, नीचे को एक लेवल एक और उसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि इस लेवल पे भी फिर से इसने कोई स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया। हो सकता है कि स्पाइकडाउन हमें मिल सकता है 110.68 के लेवल पे और यहाँ पे रिटेस्ट करके फर्दर एक ऊपर जा सकता है। ठीक है, ओके, अब कहाँ से जा सकते हैं और उसके ऊपर भी जो फर्दर कैलकुलेटेड हमारा टारगेट है, क्योंकि जो हमारा कैलकुलेटेड टारगेट वो अच्छा खासा है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर हमने जो मेजर किया उसका रिटर्न 483.5% का है। ओके, तो जिस तरीके से हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो ऊपर फर्दर जो हमारा टारगेट बनेगा वो क्या बन सकता है और क्या होना है। ओके, इट इज़ अ वूपिंग लेवल ऑफ 835.85 रुपीज़। ओके, 136 वाला स्टॉक जो हमें 835 रुपये के आसपास ट्रेड करता मिलेगा इफ दिस पैटर्न इज कन्फर्म। ओके, नीचे के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स एक्युमुलेशन के वो हमने डिस्कस कर लिए, किस तरीके से ऊपर मूव करना हमने वो डिस्कस कर लिया। अब फर्दर ऊपर चलेंगे तो कौन कौन से लेवल है जिनके बारे में हमें ध्यान देना हो, उसके बारे में भी अब बात कर लेते हैं। सो वो लेवल्स हमारे कौन से हैं, पहले तो फिबोनाच लेवल है। हो सकता है कि इस लेवल को रिटेस्ट करने से पहले, जो कि हमने नीचे के लेवल्स डिस्कस किए दो लेवल्स एक्युमुलेट करने के लिए, हो सकता है उससे पहले इस फिबोनाच को टेस्ट करना चाहिए, जो कि 166.74 का लेवल है यहाँ पे ब्लू लाइन। ऑल राइट, यहाँ से रिजेक्शन लेके हो सकता है वापस आ जाए रिटेस्ट करने के लिए, एक अच्छा सा हमें मौका मिल जाए एक्युमुलेट करने का 71.40 के लेवल तक,
या फिर एक अच्छा सा मूवमेंट मिल जाए 50.8 तक की आने की भी स्पाइक मिल सकती है, वी कैन एक्युमुलेट देयर ऑल्सो। उसके बाद ऊपर जाते हुए जो हमारा फर्स्ट एक हमको जिस चीज़ पर ध्यान देना होगा वो बनता है एक जोन, जो कि है हमारा यहाँ पे 176.45 से लेकर के 204.8 के बीच का ये जोन है। उसके अंदर कंसोलिडेट करेगा और उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट का लेवल है, जो कि लेवल है हमारा ये वाला, ओके 183 का शार्प लेवल हमारे लिए बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है, जिसके बाद इस लेवल के अंदर कंसोलिडेशन होता है एंड फर्दर जो हमारे जो फिबोनाची के टारगेट्स हैं 223.44, 280 और 315 अचीव होते हुए दिखेंगे। ओके तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्विंग ट्रेड एनालिसिस फॉर कैप्चरिंग अ मूवमेंट ऑफ 483.5% फॉर दिस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। नीचे आता तो और अच्छा होता है, हमको उसी तरीके से अपनी ग्रोथ और कवर करने को मिलेगी, यही मल्टीप्लाई भी हो सकता है। ओके सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो और आपको एनालिसिस वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इफ यू डिड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके लाइक कमेंट से मुझे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैं अपना वर्क कैसा कर रहा हूँ। ओके तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड येस टू रिमेंबर स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।